सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दायर एक अपील में दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे को समग्र व्याख्या के लिए संविधान पीठ के पास भेजे जाने की मांग की गई। यह मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ को भेजे गए 2017 के आदेश को महज पढ़ने से ही ये समझा जा सकता है कि संदर्भ की शर्तों के लिए अनुच्छेद 339A की सभी पहलुओं की व्याख्या की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दायर एक अपील में दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे को समग्र व्याख्या के लिए संविधान पीठ के पास भेजे जाने की मांग की गई है। ये मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ को भेजे गए 2017 के आदेश को महज पढ़ने से ही समझा जा सकता है कि संदर्भों की जो शर्तें हैं उसके अनुच्छेद 339A के सभी पहलुओं की व्याख्या की आवश्यकता है।